अस्सलाम वालेकुम, आज फिर मैं हाज़िर हूँ अबैदुर्रहमान आपके साथ एक नई वीडियो मॉस्को से रिलेटेड लेके। मॉस्को में मैं रेड स्केयर के अंदर जो ना एक साइड पे आपके पास सेंट बासिल कैथेड्रल है और उसके साथ साथ ही एक बहुत ही बड़ी शानदार सी बिल्डिंग है जिसको हम लोग कहते हैं मॉस्को क्रेमलिन। मॉस्को क्रेमलिन जो ना बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर रशिया का प्रेसिडेंट बैठता है, जिस तरह के आजकल जो रशिया का प्रेसिडेंट है वो है पुटिन। तो पुटिन की जो लिविंग और सिटिंग प्लेस है एज अ रशियन प्रेसिडेंट वो है क्रेमलिन। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्रेमलिन दिखाऊंगा, क्रेमलिन को हम लोग विजिट करेंगे। और क्रेमलिन बेसिकली जो ना आप ये कह लें कि इट्स अ सेंटर पॉइंट टू कंट्रोल अनदर सुपर पावर लाइक यूएसए के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर वाइट हाउस है, इसी तरीके से रशिया के अंदर जो है ना क्रेमलिन है जहाँ पे जो है ना वो आप रशिया को तमाम रशिया को क्रेमलिन से कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो है ना क्रेमलिन के अंदर कुछ चर्चेज हैं, आप क्रेमलिन के अंदर म्यूजियम्स भी हैं, आप उसके टिकट परचेज के उसके अंदर जा सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्रेमलिन के अंदर जाके और उसका एक नहायत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम एम्बर म्यूज़ियम जो है ना वो दिखाऊँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रेमलिन के बाहर, यह है रशिया मॉस्को का क्रेमलिन जहाँ पे इनका प्रेसिडेंट बैठता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस जो हैं रशिया की पर्सनालिटीज़ हिस्टोरिशंस उनकी जो है ना वो कब्रें हैं। मैं कोशिश करता हूँ टिकट लेकर अंदर जाऊँ और आपको दिखाऊँ। अब मैं ये क्रेमलिन के अंदर हूँ, ये देखें ये तोपें और ये उसके कुछ गोले पड़े हुए हैं और ये इधर माहौल है। ये जो है ना रशिया के प्रेसिडेंट का ऑफिस भी है, पुटिन जो है ना वो इधर ही बैठता है, प्यूटन या पुटिन। ये देखें ये कितने बड़े बड़े गोले हैं ये वाले, और ये पर शेर बनाया हुआ है इन्होंने। और थोड़ा सा इसकी जो है ना वो हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि ये कौन से सन की। ये है 1586 की, इतनी बड़ी तोप है, 400-500 साल पुरानी तोप है। ऐसा ही नहीं, रशिया जो है ना एक बहुत बड़ी पावर है, उसने पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा जो है ना वो रकबा अपने नाम किया हुआ।
each other and the things we do, it's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete?